गजब, मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव जीता महिला ने और शपथ लेने पहुंच गए पति। मध्य प्रदेश में हुए पंचायत चुनाव में एक अजब मामला सामने आया है। यहां चुनाव जीतने के बाद जिस बात की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वह यह है कि महिलाओं ने चुनाव जीता लेकिन शपथ उनकी जगह किसी और ने ले ली। दरअसल कुछ महिलाओं ने चुनाव जीता लेकिन शपथ लेने वाले दिन उनके परिवार के सदस्य पहुंचे और उन्होंने उनकी जगह पर शपथ ली। शपथ लेने वालों में किसी महिला का पति, किसी का रिश्तेदार तो किसी के पिता ने उनकी ओर से शपथ समारोह में शामिल हुए। यही वजह है कि यह पूरा मामला सोशल मीडिया पर चर्चाओं का विषय बना रहा। लोग इस पर अपने हिसाब से राय भी देने लगे। मध्य प्रदेश के सागर जिले के जैसी नगर में यह मामला सामने आया है। निर्वाचन महिलाओं के स्थान पर पुरुषों को शपथ दिलाई गई। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा। इसके बाद मामला अब चर्चा में आ गया है। वीडियो में एक साथ कई पुरुषों का शपथ लेते, समानता और सभी के अधिकारों की रक्षा का वचन देते हुए देखा जा सकता है। सागर की जैसी नगर में पंच, सरपंच सहित कुल 21 सदस्य चुने गए। इसमें 10 महिलाएं पंच चुनी गई, लेकिन यहां पर शपथ में केवल 3 महिलाएं ही शामिल हुई। बाकी 7 महिलाओं की शपथ परिवार के पुरुष सदस्यों ने ली।